अजमेर में लॉकडाउन के चलते रामगंज थोक सब्जी मंडी पिछले 5 दिनों से बंद है, जिसके चलते शहर में सब्जी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए अतिरिक्त कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडी का निरीक्षण किया और लॉकडाउन के नियमों की पालना को लेकर चर्चा की। साथ ही बैठक में मंडी को शाम 6 से सुबह 6 बजे तक खोलने का फैसला भी लिया गया और व्यापारियों के द्वारा बताए गए परमानेंट ग्राहकों के पास जारी कर ही मंडी में प्रवेश दिया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। मंडी सेक्रेटरी और रामगंज थाने के SHO इनके सानिध्य में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि मंडी को किस ढंग से सुचारू रूप से आगे चलाया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से जो थकावट सबको हो गई थी, कंटिन्यू रात को मंडी चल रही थी, आज सब ने मिल बैठ के कि भीड़ अंदर ज़्यादा नहीं होए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होए, इस संबंध में पास जारी किए जाएंगे। एक लिमिटेशन में जो पुराने खरीदार